तो गाइस आज से एक महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको शॉर्ट वीडियो अपलोड करने का सही टाइम बताया था एंड आज की डेट में उस पर 50,000 से ज्यादा व्यूज है। तो यार सबसे पहले आपको थैंक यू, बट यार अभी के टाइम पर सब कुछ चेंज हो चुका है। YouTube शॉर्ट में इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन हो गया है ना कि जब आप अपना शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हो तो या तो 1,000 व्यूज पर रुक जाता है या फिर 40-50 व्यूज आने के बाद में रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप अपने शॉर्ट वीडियो को गलत टाइम पर अपलोड करते हो। तो उससे पहले आप ये प्रूफ देखिए, इस वीडियो पर 1 घंटे में 700K से ज्यादा व्यूज है। पता है क्यों? क्योंकि इसको सही टाइम पर अपलोड किया गया था। तो यार आज की इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट वीडियो अपलोड करने के टाइम के ऊपर 3 ट्रिक्स बताने वाला हूँ, और अगर आपने इन तीनों को फॉलो नहीं किया तो जिंदगी में कभी भी आप अपने शॉर्ट वीडियोस को वायरल नहीं कर पाओगे। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना, और यार अगर लास्ट वाली ट्रिक को मिस कर दिया तो शुरू के 2 ट्रिक्स को फॉलो करने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। बट यार आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यार कमेंट करके ये जरूर बताना कि अभी आप कितने बजे शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हैं। एंड यार इस वीडियो को देखने के बाद अपने चैनल पर जाकर पिछले वीडियोस को देख लेना, जिससे कि आपको अपने शॉर्ट वीडियोस को वायरल करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो हमारी पहली ट्रिक है ग्राफ। अब जो कर सबसे पहले आपको अपने YT स्टूडियो को निकालना है, उसके बाद में एनालिटिक्स पर क्लिक करना है, उसके बाद में यहाँ पर आपको आपके 48 आवर के व्यूज शो होंगे। अब यहाँ पर आपका जितने बजे आपका ग्राफ सबसे ऊपर जाता है उतने बजे आपकी ऑडियंस सबसे ज्यादा एक्टिव रहती है एंड आपको अपना शॉर्ट वीडियो इतने ही टाइम पर अपलोड करना चाहिए। अब हमारी दूसरी ट्रिक है चैनल एनालाइज। अब देखो यार आपकी कैटेगरी में कोई ना कोई तो बड़ा यूट्यूबर होगा, तो यार आप जिस भी कैटेगरी के वीडियोस बनाते हो आपको उस कैटेगरी के बड़े बड़े यूट्यूबर्स को ढूंढना है, उसके बाद में ये एनालाइज करना है, ये देखना है कि आखिरकार वो कितने बजे शॉर्ट वीडियोस अपलोड करते हैं। अब जितने बजे वो शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हो उतने ही बजे आपको करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यार YouTube का एल्गोरिथम उस टाइप के वीडियोस को उतने ही बजे ज्यादा से ज्यादा वायरल करता है। एंड यार अगर आप इस तरीके से पता नहीं कर पा रहे हो तो आप उनको मेल के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आप उनको Instagram पर मैसेज करके पूछ सकते हो। तो इस तरीके से आपकी कैटेगरी में जो भी बड़े यूट्यूबर्स है वो जितने बजे शॉर्ट्स अपलोड करते हैं उतने ही बजे आपको करना चाहिए। एंड यार अगर आपने अभी तक मुझे Instagram पर फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर फॉलो कर सकते हैं। तो ये है सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक, और ये है मिस्टेक्स। अब देखो यार आप अपने शॉर्ट चैनल पर कुछ मिस्टेक्स करते हो, इसी वजह से आपका शॉर्ट वीडियो वायरल नहीं हो पाता। इस वाली ट्रिक में मैं आपको 2 मिस्टेक्स के बारे में बताने वाला हूँ, जिनको अगर आपने करना बंद नहीं किया तो जिंदगी में कभी भी आप अपने चैनल को ग्रो नहीं कर पाओगे। तो आपकी पहली मिस्टेक है इनकंसिस्टेंसी। तो यार देखो आपका कोई शॉर्ट वीडियो वायरल हो गया होगा, उसके बाद में आपके व्यूज या तो 1-2 हज़ार आते होंगे या फिर 50-60 व्यूज आने के बाद में रुक जाते होंगे। ऐसा पता क्यों होता है? क्योंकि आप अपने चैनल पर इनकंसिस्टेंसी के साथ शॉर्ट्स अपलोड करते हो। जैसे आपने पहले दिन शॉर्ट अपलोड किया, उसके बाद दूसरे दिन नहीं किया, तीसरे दिन किया, चौथे दिन नहीं किया, पांचवें दिन किया, फिर आपने लगातार 4 शॉर्ट्स अपलोड करे, तो ऐसे में YouTube का एल्गोरिथम आपके चैनल को सही से एनालाइज नहीं कर पाता। तो आपको जो है डेली के डेली आपके रूटीन के हिसाब से शॉर्ट्स अपलोड करने चाहिए। अब आपकी दूसरी मिस्टेक ये है कि आप अपने चैनल पर एक टाइम फिक्स नहीं करते। जैसे पहले दिन आपने 7 बजे अपलोड कर दिया, दूसरे दिन आपने 10 बजे अपलोड कर दिया, तीसरे दिन आपने 2 बजे अपलोड कर दिया, तो ऐसे में YouTube का एल्गोरिथम आपके चैनल को समझ नहीं पाता। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप 7 बजे शॉर्ट अपलोड करते हैं तो आपको 7 बजे करना चाहिए, अगर आप रात के 9 बजे करते हैं तो आपको 9 बजे ही करना चाहिए। मेरा मतलब आपको टाइमिंग चेंज नहीं करनी है। तो यार मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपने चैनल पर जाकर पिछले वीडियोस को देख लेना।